After NDA parliamentary party meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, when the Prime Minister of the country speaks, people, not just MPs, should take it seriously because he is the Prime Minister of the country and great people of the country have made Prime Minister Modi the Prime Minister for the third consecutive term historically. He further said that the manner in which LOP Rahul Gandhi behaved yesterday, turned his back towards the speaker, spoke out of rules and insulted the speaker is something that people of our party, the NDA, should not do. तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा कि हर एक एमपी को अपने जड़ से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े रहना चाहिए, वहां के मुद्दे को पार्लियामेंट में नियम तहत रखना चाहिए और अच्छा सांसद बनने के लिए सिर्फ इधर उधर मतलब भाषण देकर के नहीं, रूल के तहत काम करके अपने मुद्दे को प्रखर रूप से पार्लियामेंट के अंदर रखना है। ये मैं मानता हूं कि सब एमपी के लिए, चाहे नए हो पुराने हो, सब एमपी के लिए बहुत अच्छा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का सुझाव है। जब देश का प्रधानमंत्री संदेश देता है तो मैं ये मानता हूं कि हर एक जन को, सिर्फ सांसद ही क्यों, हर एक जन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का नेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश के महान जनता ने तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनाया है आदरणीय मोदी जी को, तो उनके हर शब्द हर वाक्य सुनने लायक है, फॉलो करने लायक है और उससे बहुत सीख मिलता है। जो पार्लियामेंट में जिस तरह का बिहेवियर होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बोला, क्या ये मैसेज कांग्रेस के एमपी, ये सबके लिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के एमपी, जैसे कल उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। सर, ये पीएम के भाषण में कल जो राहुल गांधी का जो भाषण था, उसका कोई डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं, उसमें उसको ये मीटिंग उसके लिए नहीं, ये हमारा अपना एनडीए को किसी प्रकार हम अच्छा काम करें, तालमेल हो, एक हमारा अच्छा पार्लियामेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये आपस का एक तालमेल का बहुत अच्छा सकारात्मक बैठक। आज प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसका जवाब 4 बजे देंगे। आज 4 बजे, आज के तारीख 2 जुलाई 4 बजे प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा। राज्यसभा में कल लगभग 3 तारीख को राज्यसभा में, अभी समय तय नहीं हुआ, लेकिन लगभग दोपहर का 12 बजे 1 बजे का बीच में जैसे पार्लियामेंट चलेंगे, वहां आदरणीय चेयरमैन महोदय से बातचीत करके और प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई बहुत अच्छी तरह से कल राज्यसभा में भी होगा। धन्यवाद।